तो स्वागत है दोस्तों आपको हमारे इसी 5 न्यू इन्फॉर्मेशन वाले चैनल पर। तो भाई अभी फाइनली 6 कलर्स दिखे गए हैं रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का, और इसके ही बारे में आगे हम लोग इसी वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, और ये भी देखने वाले हैं कि ये जो कलर्स है तो इसके ही साथ साथ क्या कुछ हमें फीचर्स देखने को मिलता है इसी हंटर 350 के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो भाई अभी फाइनली कुल मिला के टोटल 6 कलर्स दिखे गए हैं रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के, और ये जो 6 कलर्स है ना, तो इनमें से पहला जो ये कलर है जैसे कि देख ही सकते होंगे रेड कलर। तो ये जो रेड कलर है ना, जैसे कि देख ही सकते होंगे ये ग्लॉसी टाइप का कलर है, और उसके ही साथ इसी रेड कलर के ही बाजू में दिखाई दे ही रहा है ब्लैक कलर। बाकी तो ये जो कलर है ना, तो इसके ही साथ हमें रेड कलर का कुछ स्टिकरिंग्स भी देखने को मिलेगा, मतलब रेड और गोल्डन कलर के ही अंदर अंदर। और उसके ही साथ इसी बाइक के अंदर आपको और दूसरा जो जगह देखने को मिलेगा तो उसके आपको ज्यादातर मैट कलर ही दिखाई देंगे। और इसके अलावा और एक जो कलर है तो वो है सिल्वर कलर। और ये जो सिल्वर कलर है ना, जैसे कि देख ही सकते होंगे देखने में तो ऐसा ही कुछ लग रहा है कि ये मैट फिनिश के अंदर अंदर है, और उसके ही साथ इस सिल्वर कलर वाले फ्यूल टैंक के ही साइड में देख ही सकते होंगे ग्लॉसी ब्लैक कलर के ही साथ साथ ब्लू कलर का लंबा लंबा कुछ एक लाइन सा दिखाई दे रहा है। और उसके ही साथ इसी बाइक के अंदर आपको जो स्टिकरिंग्स देखने को मिलेगा ना, तो वो आपको ब्लैक और व्हाइट के ही अंदर अंदर कुछ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा और एक जो कलर है तो वो है मैट कलर के ही अंदर अंदर ब्लू कलर। और ये जो ब्लू कलर है ना, देख ही सकते होंगे इसी ब्लू कलर के ही साइड में दिखाई दे ही रहा है व्हाइट कलर, जो कि अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा अमेजिंग तो है ही। और उसके ही साथ इसी कलर के भी अंदर आपको जो कुछ स्टिकरिंग्स देखने को मिलेगा तो वो भी लगभग ब्लू कलर के ही अंदर अंदर है। बाकी तो ये वाला बाइक भी पूरे तरीके से ब्लैक ही है, मतलब कि ब्लू कलर वाला जो ये टैंक है ना, तो इसको छोड़ के। और इसके अलावा और एक कलर है जो कि है व्हाइट कलर, और जैसे कि देख ही सकते होंगे ये जो व्हाइट कलर है तो ये एक ग्लॉसी फिनिश के अंदर अंदर है। और इसके ही इसी व्हाइट कलर वाले इसी फ्यूल टैंक के ही थोड़ा सा साइड में जैसे कि देख ही सकते होंगे ये ब्लैक कलर का कुछ देखने को मिल रहा है, मतलब जो ग्राफिक्स है तो वो ब्लैक कलर में है। और इसके अलावा टैंक के ऊपर देख ही सकते होंगे रॉयल एनफील्ड लिखा गया है ब्लैक कलर के ही अंदर अंदर। और इसके अलावा और एक कलर है जो कि सिल्वर कलर ही है, लेकिन पूरे तरीके से ग्लॉसी फिनिश के अंदर अंदर। और इसके अलावा इस वाले कलर के ही साथ साथ हमें जो स्टिकरिंग देखने को मिल रहा है इसी बाइक के ही इसी फ्यूल टैंक के ऊपर, तो वो देख ही सकते होंगे रेड कलर के अंदर अंदर दिया गया है। और इसके अलावा इसी बाइक के ही सीट के नीचे देख ही सकते होंगे जो ये ग्लॉसी ब्लैक कलर जो दिया गया है, मतलब एक पार्ट पर जो फाइबर पार्ट है, तो इसी फाइबर पार्ट के ही ऊपर देख ही सकते होंगे जो स्टिकरिंग्स यूज किए गए हैं, तो वो है गोल्डन कलर के अंदर अंदर। और इसके अलावा इसी हंटर 350 का ही और एक कलर ऑप्शन है जो कि है ग्लॉसी ब्लैक। और जैसे कि देख ही सकते होंगे ये जो ग्लॉसी ब्लैक वाला कलर है ना, तो इसके भी ऊपर आपको जो स्टिकरिंग्स देखने को मिलेगा तो वो है रेड कलर में, मतलब कि ये फ्यूल टैंक के ऊपर जो है तो वो ही। और इसके अलावा इसी रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के ही इसी ग्लॉसी ब्लैक वाले कलर के ही ऊपर देख ही सकते होंगे, मतलब किसी टैंक के ऊपर एक गोल्डन कलर का कुछ लाइन के जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। और उसके ही साथ इसी बाइक के अंदर भी आपको जो देखने को मिलेगा सीट के नीचे जो ये स्टिकर है, मतलब कि सीट के नीचे जो एक फाइबर वाले पार्ट के अंदर जो स्टिकरिंग देखने को मिलेगा तो वो भी है गोल्डन कलर में। बाकी ये वाला जो बाइक है तो ये एक स्पोक वेरियंट है जैसे कि देख ही सकते होंगे, और ये वाला जो बाइक है तो ये एक एलॉय वाला वेरियंट है, तो देख ही सकते होंगे यही कुछ है। और इसके अलावा इसी हंटर 350 के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो मीटर कंसोल, तो वो बेस वाले वेरियंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये सेमी डिजिटल वाला एक मीटर कंसोल। और इसके अलावा और एक वेरिएंट है जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ये नेविगेशन वाला फीचर्स भी, मतलब कि जो टॉप वेरिएंट है तो वो ही। और इसके अलावा इसी बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो इंजन, तो वो है एक सिंगल सिलेंडर वाला एयर कूल प्लस ऑयल कूल वाला एक इंजन जो की 350cc वाला है। और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है तो वो है 20.2 BHP, और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है तो वो है 27 Nm। बाकी तो 5th स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। बाकी इस वाले बाइक का जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना, तो वो है डिस्क ब्रेक के ही साथ साथ डुअल चैनल ABS का सपोर्ट। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू।